नवरात्रि चल रहे हैं तो ऐसे में कट्टू की रोटी के स्वाद का आनंद किसने नहीं लिया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो मैंने लिया है आधा कटोरी छना हुआ कट्टू का आटा, ये साफ की हुई धुली पालक है, और मैंने ली है आधी कटोरी के आसपास कद्दूकस की हुई मूली, और साथ ही मैंने लिया है एक छोटे साइज का आलू, जो उबला हो तो भी चलेगा, उसे कद्दूकस कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच लाल पीसी मिर्च, और नमक सेंधा डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार या एक छोटा चम्मच, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच देसी घी स्वाद के लिए और खुशबू के लिए। इस सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिला लेना है, पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपको यह आटा ढीला लगता है तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा कट्टू का और डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल लिया है। अब बस इस आटे को अच्छे से गूंद के हमें इसे एक डो के रूप देना है, बिल्कुल इस तरह से, और थोड़ा सा घी में और लगाकर इसे और मैश कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ बने और हाथों से ना चिपके। तो लीजिए हमारा ये डो तैयार हो चुका है कट्टू का, और अब हम चलते हैं रोटी बनाने के लिए। हाथ पे थोड़ा सा घी लगाइए और इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़कर आप एक लोई बना लीजिए, जैसे कि जनरली हम गेहूं के आटे से बनाते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास लोई तैयार हो गई है हमारी। तो कट्टू का थोड़ा सा सूखा आटा लीजिए और इसमें इसको अच्छे से लपेट लीजिए लोई को, और दोनों हाथों की सहायता से जैसे कि गाँव में देसी सी रोटी बनती है वैसे दबाते हुए हम कट्टू की रोटी को तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने एक बढ़िया कट्टू के आटे की रोटी तैयार कर ली है। ये आटा सॉफ्ट होता है और जल्दी रोटी बन जाती है। तो घी लगाइए तवे पर और उस पर मैंने ये रोटी डाल दी है। तो ये देखिए एक साइड से ये हल्की सी सिक चुकी है, तो उसको पलट लेते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो मुश्किल से एक मिनट इसमें और लगा है, और देखिए दूसरी तरफ से भी इसमें चकत्ते गोल्डन आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसमें घी लगाएंगे और फिर से इसको पलटेंगे। गैस को हम बिल्कुल कम ही रखेंगे और इसको स्पैचुला की सहायता से हल्के हल्के दबाते हुए सेकिएगा। ये रोटी एकदम क्रिस्पी बने तभी खाने में स्वाद लगती है, तो इसलिए गैस को आंच को बिल्कुल तेज नहीं करना है, कम आँच पर ही आप इसको सेकिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में, लेकिन रोटी क्रिस्पी अच्छी लगती है। तो लीजिए दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से हमने इसको सेक लिया है और ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसको मैं अब एक टिश्यू पेपर पर रख रही हूँ जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। चलिए फटाफट एक रोटी और तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने एक रोटी और बना रही है, तो देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो लीजिए मेरी तो दो तीन रोटी तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए प्लेट लगाने के लिए चलते हैं व्रत की। तो मैंने लिया है सूखा इसमें आलू, जो कि जनरली नवरात्रों में खाया जाता है, और साथ में है इमली गुड़ की चटपटी चटनी और दही। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और साथ में कट्टू की गर्मा गर्म रोटी, और उसके ऊपर डालिए मक्खन के क्यूब को और कुछ स्लाइसेस खीरे के, और साथ में बढ़िया चटपटी हरी मिर्च। तो लीजिए तैयार हो गई है हमारे नवरात्रि व्रत की एक बहुत ही लजीज प्लेट। तो चलिए टेस्ट करने चलते हैं।